भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में काफी कड़वाहट है। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हुए भारत ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो दूसरी बात एयर स्ट्राइक पर कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तिल मिलाए पाकिस्तान की ओर से इस कार्रवाई का जवाब नहीं दिया गया तो पाकिस्तान ने टिड्डी स्ट्राइक के जरिए राजस्थान में हमला बोलने की कोशिश शुरू कर दी। पाकिस्तान के सहारा से होते हुए टिड्डी दल राजस्थान में एंटर कर चुका है। पाकिस्तान की ओर से आने वाला टिड्डी दल तेज गति से राजस्थान के सरहदी क्षेत्र जैसलमेर तक पहुंच चुका है। वैसे तो पाकिस्तान से आने वाला टिड्डी दल समय से पहले आया है, इस समय किसानों के खेतों में फसल तैयार नहीं है। वहीं प्रशासन टिड्डी दल को नेस्तनाभूत करने के लिए केमिकल का छिड़काव कर रहा है। राजस्थान में जो टिड्डी दल की सूचना जैसे 21 मई से सूचना मिली थी हमको और जो तब से हम कंट्रोल कर रहे हैं और सबसे पहले इधर रामदेव और पोखरण के पास सुजासर गांव के आसपास वहां पर रिपोर्ट हुई थी और तब से मतलब सर्वे और कंट्रोल दोनों कार्य जारी है और अभी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के एरिया हैं वहाँ पर ही ये टिड्डी का प्रकोप पाया गया है और हमारे कंट्रोल भी वहीं चल रहे हैं। जैसलमेर से पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ आज भी कंट्रोल हुआ है मोहनगढ़ के आसपास और अब तक जो है हमने 1100 हेक्टर करीब